Hello students, so last class we were discussing earlier, we have been talking about determiners. We have taken a few sessions about determiners. If you haven't seen earlier, you have to check those videos also, where we have discussed a few parts of determiners. Now let's see this demonstrative. Demonstrative, we say they are demonstrate, जो शो करके बोले भाई आप डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, शो करते हैं, यहाँ पर भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये और वो, ये वाले और वो वाले, ऐसे ले बोल रहे हैं. दिस इज फॉर समथिंग, नियर है, और दिस समथिंग अवे है. बस ये चीज याद रखनी है, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज सिंगुलर. ओके, नाउ यू से दिस इज माई नोटबुक, देन यू से दैट इज माई हाउस, से दिस वे. सो दिस इज समथिंग जो बिल्कुल पास में है, दैट जो दूर है. तो ऐसे वाला दिस है, दूसरे वाला दैट है, लेकिन सिंगुलर में बोल रहे हैं. एंड दीज आर दोज, अगेन वही समथिंग, दिस इज प्लूरल एंड विच इज नियर, एंड दिस इज प्लूरल विच इज अवे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई से दीज आर द पेंस I bought yesterday's, and then you say those are the boys who played for our team. Say like this. तो दीज ये वाले लड़के और दोज वो वाले, ऐसा बोलेंगे. ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल में यूज होगा. देन वी सी नंबर स्पीकिंग कंसिडरेशन में आते हैं. नंबर्स हालांकि फ्यू के बारे में वी ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग, हमने पहले भी बात किया, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, वो भी नंबर का ही पार्ट है. लेकिन नंबर्स इन जनरल, अगर हम नंबर्स को ही रिलेट करें, तो वी से कार्डिनल्स क्या होता है. कार्डिनल्स होते हैं व्हेन वी से 1, 2, 3, इस तरीके से यूज करेंगे तो कार्डिनल होता है. और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, व्हेन यू राइट लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जब आप लिखते हो तो ये ऑर्डिनल होते हैं. ओके, नाउ वी से 1, 2, 3, 4, ये सारे कार्डिनल हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑर्डिनल होते हैं. जब आप ऑर्डिनल यूज करते हो तो इसके साथ आपको द लगाना होता है. याद है आपको, मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया था. आप दोबारा से मैं बात करता हूँ कि If I write like this, give me 2 books, and then you say give me the second book from the shelf, we say like this, give me the second book. The third student in the queue is my brother, we say like this, the third student we say. द सेकेंड, बट 1, 2, 3, 4 में ऐसा नहीं लगाना होता. ठीक है, और वैसे भी अगर आप कार्डिनल का हिंदी में डिक्शनरी में नहीं देखोगे ना, कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक. तो ये मैथ्स के बेसिक है, आपने मैथ्स में पढ़ रखा है कार्डिनल्स क्या होते हैं. तो दिस इज द कार्डिनल सिन ऑफ ए सर्जन, इफ ही डज नॉट नो द बॉडी ही इज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन, मीन्स दिस इज द कार्डिनल सिन. मतलब ये उसका बेसिक गलती हो जाएगी अगर उसने इसको इतना नहीं पता कि यार जिस पे ऑपरेशन कर रहा है उसके स्टेटस क्या है. यानी कार्डिनल बेसिक से आता है, तो वो बेसिक से आएगा, तो कार्डिनल्स हो जाएंगे और ऑर्डिनल्स हो जाएंगे. ओके, काइंडली नोट दिस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल, दिस ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट, ऑल कैसे यूज होता है देखें. ठीक है, ऑल किस कैटेगरी में भी अगर हम यूज करें, तो ऑल किस कैटेगरी में यूज करेंगे. जब हम कहते हैं कि ऑल और ये बोथ जो होते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के होते हैं डिटरमिनर्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं,
उस कैटेगरी में काफ़ी सारे आते हैं, ऑल आता है, बोथ आता है, इधर आता है, नीदर आता है, ईच आता है, एवरी आता है, वन आता है, काफ़ी सारे हैं। विल डिस्कस वन बाई वन। ऑल क्या है? ऑल कैन बी यूज विथ सिंगुलर प्लूरल, ये याद रखिए। ऑल के साथ आप द भी लिखा लगाते हैं, कभी आप देखिए ऐसे लिखें ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है। आई अप्लाइड ऑल द नॉलेज आई हैड, इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज इज सिंगुलर बट स्टूडेंट्स इज प्लूरल, वी आर यूजिंग द विद देम, ओके। ऐसा यूज करते हैं, कभी ऐसे भी यूज करते हैं, ही इज द किंग ऑफ ऑल टाइम, तो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टाइम के बारे में तो ऑल टाइम लगा देते हैं, बट ऑल द स्टूडेंट्स तो फिर स्पेसिफिकली बताते हो, तो ऑल के बाद द लगा देते हैं, आर्टिकल में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। देन बोथ, बोथ कैसे यूज करते हैं? देखिए, एक तो याद रखिए कि बोथ इज यूज्ड इन पेयर विद एंड, लोग बोथ के साथ एज वेल एज भी लगाना पसंद करते हैं, लेट मी से, बट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ओके। एंड देन बोथ कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस ओनली, बोथ जो है आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लिख सकते हो, बोथ कैन नॉट बी रिटन इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। तो इफ आई राइट ए सेंटेंस लाइक दिस, Mayank and both Mayank and I did not make the report in time. Say like that. Both Mayank and I did not make the report in time. Now you will say both लिखा है and लिखा है, सही है जी, मान लिया, but did not नहीं लगा सकते, तो that is incorrect. तो सही sentence क्या होना चाहिए था? Neither Mayank nor I, okay? Did not हट जाएगा, तो did negative already past को बता रहे थे, यानी make का made करना पड़ेगा. Did not made द रिपोर्ट इन टाइम, आप ऑन टाइम भी लिख सकते हैं, इन टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है. इन टाइम मीन्स वेल बिफोर टाइम, एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑन टाइम, ओके, वी से लाइक दैट. मैं कहूँगा यार टाइम पर पहुँच जाना, मीटिंग कितने बजे है, आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं सर आई विल बी देयर ऑन टाइम, मीन्स इफ इट इज 3 o'clock, 3 o'clock यू विल बी देयर. बट अगर आप ऑर्गेनाइज ही कर रहे थे मीटिंग, तो यू आर सपोज टू बी इन टाइम, आपको तो 2 बजे आना चाहिए था, 2:30 आना चाहिए था, सो दैट यू कुड ऑर्गेनाइज सर्टन थिंग्स. तो देन विल से सर डोंट वरी, आई विल बी देयर इन टाइम. इन टाइम टेल्स मी कि अरे आप समय से पहले आ जाएंगे, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम आएंगे, ओके. तो बोथ के साथ आप एंड लगाएं, और बोथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाएं, नेगेटिव में नहीं लगाएं, ये आप याद रखें, और इसको एज वेल एज के साथ नहीं लगाएं, ओके. दिस इज क्लियर, काइंडली नोट दिस मच. हाउ डू वी यूज ईच एंड एवरी? नाउ नॉर्मली पीपल आर यूजिंग ईच एंड एवरी इंटरचेंजेबली, पीपल से कि कहीं भी लगा दो, इतना कोई मैटर नहीं करता है. बट डोंट यू थिंक थोड़ा सा मैटर करता है कि ईच कब लगाएं और एवरी कब लगाएं? तो दो वर्ड बने हैं, कोई ना कोई मीनिंग तो होएगा ही. तो दैट्स व्हाट द केस इज. ईच, ये तो आप याद रखिए कि ईच जब भी आप लगाओगे फॉर अ ग्रुप होता है, पहली बात तो ये,
फॉर ए ग्रुप होता है. कीपिंग एवरी इंडिविजुअल इन कंसिडरेशन. इसमें आप पूरे सब लोगों के एक एक की बात करते हो, बात ग्रुप की करते हो, वो ईच हो जाता है. पहले एवरी भी समझते हैं. फॉर अ ग्रुप एज अ होल वी टॉक लाइक दैट. इसमें इंडिविजुअल का पूरा कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, ओवरऑल लिया जाता है. ऐसे में हम बोलते हैं, सपोज इफ आई से एवरी वन ऑफ यू हैज डन अ गुड जॉब. ओके, सपोज वी ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल. ओके, देन वी हैड ए टीम ऑफ अराउंड 20 स्टूडेंट्स. वी टोल्ड देम कि ओके ऑर्गेनाइज करिए सब कुछ. Everybody did it, and ultimately the when the show ended, so we appreciated the group saying this ki they have done a commendable job. So we appreciate everyone saying this, every one of you has done a good job. Means we are appreciating all the 20 students, but ho sakta hai na ki 18 out of 20 ne kaam kiya ho aur do logon ne maje kiya ho. Possible hai? Nahi. Ho sakta hai. कई बार आपकी इंडियन टीम खेलती है, दो ही प्लेयर खेलते हैं, बाकी सब नीचे नहीं खेलते, लेकिन वही मैच जिता के ले जाते हैं. लेकिन प्लेयर को तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, कई बार नहीं भी हो पाता. तो जब एवरी इंडिविजुअल प्लेयर पार्टिसिपेट्स एंड हेल्प्स इंडिया विन मैच, व्हाट वी से देन वी कॉल ईच. हियर वी सेइंग ओनली 18-15 मे बी लाइक दैट, बट वी आर अप्रिशिएटिंग द होल लॉट, देन वी से एवरीवन. ओके, बट वेन वी से ईच, तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. सपोज आई गेव यू वन प्रोजेक्ट इन द क्लास की ओके यार ऑल 40 ऑफ यू हैव टू सबमिट यूर प्रोजेक्ट बाई द एंड ऑफ दिस मंथ. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द मंथ में मेरे पास 40 प्रोजेक्ट्स आने चाहिए ना, 39 से बात नहीं बनेगी. आप ये नहीं कहोगे जी उन 5 लोगों ने कर दिया तो मेरा भी मान लो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इट मीन्स क्या हुआ, ईच वन ऑफ यू has to submit the project by the end of the month. Okay, by the end of the month लगाइए जब future के बारे में बात करते हैं, till मत लगाइए. जो आने वाले समय के बारे में बात होती है, always use by. Okay, then I will have completed my syllabus by December. Say like that, ऐसा बोलिए. Till December नहीं, यहाँ by लगाते हैं, future की बात कर रहा है. तो each one of you means I say, इस केस में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 40 on 40 मेरे projects मेरे पास आएंगे. Okay, in this case I managed with 18 out of 20. मैंने कहा यार सब ठीक है, everyone, यानी everyone of you जैसा आएगा. ठीक है, और each वाले में individual का consideration होता है. Moreover, ईच एंड एवरी जब भी आप लगाएं, ठीक है, इसके बाद आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करें. मैंने लिखा है ईच वन ऑफ यू, सपोज मैंने लिख देता ऐसे, लिख देता मान लो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. यहां स्टूडेंट्स आएगा क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, यहां तो स्टूडेंट्स ही आएगा. ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द रिपोर्ट. ईच वन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, तो जब मैं ईच लगा रहा हूं, चाहे इसके बाद ऑफ दी के बाद प्लूरल ही आता है, जब भी आप ऑफ दी लिखते हैं इसके बाद प्लूरल लगाते हैं, लेकिन ईच की कंसिडरेशन में मैंने यहां पर हैज लिखा है. तो ईच और एवरी जब भी लगे, काइंडली नोट दिस, यू ऑलवेज यूज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट. ओके, तो ईच का आपके आपसे लॉजिक क्लियर है मेरे ख्याल से, और एवरी का भी लॉजिक आपके साथ क्लियर है. इज क्लियर नाउ, काइंडली नोट दिस मच. So now when we say this either, neither and one, they are also the part of the determiners only.
बिकॉज दे विल डिटरमाइन द नाउन आफ्टरवर्ड्स. कैसे कंसिडर करें? ईच एवरी में हमने कहा कि आगे उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, चाहे वो प्लूरल भी दिखा रहे, यानी ये डिटर्मिनेशन ही सीख रहे हैं कि वो डिटरमाइन कैसे करते हैं. नाउ अगेन वी अंडरस्टैंड दिस आइदर और नाइदर. तो आइदर इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. शायद ही आप समझते ही हैं कि जो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस होंगे जिसमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी वहां पर आइदर लगेगा, और नाइदर इन नेगेटिव हो जाएगा. मींस इफ आई राइट लाइक दैट, नाइदर ऑफ देम हैज डन इट. और इफ आई से ईदर ऑफ यू कैन डू इट, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आई फॉरगॉट टू टेल यू इज आइदर और नाइदर जब भी लगाएंगे ये दोनों हमेशा फॉर टू लिखेंगे, आइदर भी और नाइदर भी, दो से ज्यादा के लिए नहीं. दो से ज्यादा के लिए लिखेंगे तो फिर नन लिखना होगा. ओके तो जब दो की बात आएगी बोथ दी साइड्स ऑफ दीज क्वाइंस ऐसे ऐसा बोलूंगा. ओके ऐसा नहीं बोल सकता कि दो से ज्यादा के लिए नहीं बोलूंगा मैं बोथ, तो ये सॉरी आइदर और नाइदर. तो मैंने बोला आइदर ऑफ द साइड्स, आई से आइदर ऑफ द साइड्स. आइदर कब बोला? दो साइड्स थी कॉइन की जब मैं बोथ बोल रहा था. सेम द केस आई से आइदर ऑफ द साइड्स. अब जब मैंने बोला आइदर ऑफ यू कैन डू इट, यानी आप दोनों में से कोई एक कर सकता हो, ए और बी है और यहां पर भी ए और बी है. ओके तो तुम दोनों में से कोई एक कर सकता है और इन दोनों में से ही किसी ने नीदर ऑफ देम हैज डन इट. देम जरूर लगा रखा है लेकिन देम का मतलब यहां पर टू से ही है. अगर मैं बोल देता नाइदर डिड सही है, या मैं बोलता नाइदर सपोज आई राइट नाइदर वेंट, आप क्या मानेंगे? दो ही मानेंगे. आप ऐसा भी लिख सकते थे नाइदर ऑफ देम वेंट, तो भी सही है. देम का मतलब भी यहां पर टू ही होएगा, बट नाइदर नेगेटिव वाले कंडीशन को बताएगा, आइदर पॉजिटिव वाले को बताएगा, बस दैट्स द केस. लेकिन बताएगा दो को ही. ओके नाउ वन, वन क्या सेंटेंस देखिए. वन शुड टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स himself. No, when you read the sentence, what meaning you make? What you say is one should take care of his belonging himself. क्या बोल रहे हो अपने उसके अंदर language में? इसका मतलब क्या है? हर एक को अपने सामान का खुद ख्याल रखना चाहिए. लेकिन आप तो ऐसा लिख देते हो one should take care of their belongings themselves, या आप ऐसा लिख देते हो one should take care of his belongings themselves. कैसे समझते हो भाई क्या लगाना होता है? ध्यान से देखें कि मेरा सब्जेक्ट क्या है. मेरी बात हो रही है वन की. वन मतलब सिंगुलर है, वन मतलब सिंगुलर है. तो अगर वन सिंगुलर है तो फिर मैं हर एक को अपने सामान का ख्याल करना है. ये हिज का मतलब क्या है? उसके सामान का. दिस इज हिज बुक. हिज क्या मतलब? किसी और की है ना. तो यार ये हिज तो नहीं बनेगा यहां पर. तो फिर यहां पर क्या लिखना चाहिए? वंस आना चाहिए. वन शुड टेक केयर ऑफ वंस बिलोंगिंग्स क्या? oneself, okay? himself नहीं, themselves नहीं, because मेरा subject यहां पर singular है. okay? तो it means one should take care of one's belongings, oneself. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, हम statement देते हैं one should serve one's parents. तो कैसे बोला? one should serve one's parents, one should serve one's nation. ऐसे ही तो बोलते हैं. तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि जब भी आपका subject one से आएगा, we say If your subject, ऐसा अगर मैं नोट कर लूं, is one, तो इसके बाद आप once लिखेंगे या oneself लिखेंगे, ऐसा कुछ. ठीक
ठीक है, वन लिखेंगे या वंस लिखेंगे या वन सेल्फ लिखेंगे, ये एवरी वन में मत कर देना। आपको जी एवरी वन से स्टार्ट हो रहा था, तब नहीं होगा वंस, सिर्फ वन से स्टार्ट होना चाहिए, तब मानेंगे मेरा सब्जेक्ट ऐसा है। ठीक है, और कभी कभी आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं भैया वो वाला पेन देना, तो आप क्या बोलते हैं, गिव मी, गिव मी दैट वन, या गिव मी अ रेड वन। यहां वन क्या है, ये वन सिंगुलर है, फिर आप क्या बोलते हैं, शो मी फाइव रेड वंस, फिर ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, फिर ये प्लूरल हो जाता है। उस वाले वंस में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, इस वाले वंस में अपोस्ट्रोफी लगा है, वो सिंगुलर का प्लूरल हो रहा है। मदर टोल्ड द चाइल्ड यू आर अ लेजी वन, यू आर अ लेजी वन, बट मदर टोल्ड द चाइल्ड दैट योर फ्रेंड्स आर लेजी वंस। ओके, तो वो सिंगुलर और प्लूरल में कंसिडर हुआ, वो वन वाला वंस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला वन और ये वाला वंस। ओके, आ रही बात समझ, तो ये वन और ये वाला वंस आएगा, लेकिन जब आप यहां आते हैं तो ये वाला अपोस्ट्रोफी में चलता है, इसमें वन शुड टेक केयर ऑफ वंस बिलोंगिंग्स वन सेल्फ आएगा। आई टोल्ड यू एवरी वन में नहीं करना है, काइंडली नोट दिस मच। आई हैव रिटन नाउ ऑन द बोर्ड, आई से वी वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर। ओके, देर ऑल्सो यूज लाइक अदर चाइल्ड एंड अदर चाइल्ड, तो अदर फिर चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है ना, डिटरमाइन करने वाला वर्ड बन रहा है ना, काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरह, वही वाला डिटरमिनर हो जाएगा। अदर मीन्स क्या होता है, एज ऑप्शन, और यू कैन से वन मोर। ओके, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर वो वाला पेन दिखाना है, मैंने वो दिखाया, आपने कहा वो वाली बुक दिखाना है, आपने कहा नहीं सर वो वाली नहीं, वो दूसरी को दिखाओ, वो वाली दिखाओ, वो वाली मतलब ये छोड़कर कोई और वाली, तो आप यू आर सेइंग दिस, शो मी द अदर वन। सर आई डोंट वॉन्ट दिस, गिव मी द अदर वन, दूसरी वाली, ये छोड़कर ऑप्शन में बात करें, बट आप क्या बोल रहे हैं, गिव मी अनदर पेन, आपको पहले से पसंद आ गया था, वन यू टुक इट फ्रॉम मी, यू सेड ओके वाओ गुड है, तो आपने कहा सर एक और दे देना, एक और देने का मतलब क्या, एन अदर हो जाएगा, सर वन मोर होता है, एन एन और अदर, आप तोड़ के भी देखो तो क्या होता है, एन और अदर होता है, एक और है, ऐसे ही मान लें एन अदर हो जाता है, एन अदर जब एक के अलावा और होगा, बट अदर का मतलब ऑप्शन की तरह कंसिडर होगा। देन डिफाइनिंग वर्ड्स, जो ये बेसिकली दे डिफाइन द प्रेसिडेंट, जिसको ये फॉलो करते हैं, ऐसे तो देखें ध्यान से, विच आई से दिस इज द कार विच आई यूज्ड टू ट्रेवल टू पुणे, से लाइक दैट, विच इज क्वालिफाइंग कार, तो यानी उसको डिफाइन कर रहा है ना, कौन सी वाली यार, ये वाली वो कार है, तो डिफाइन करके बता रहा है। एंड देन वे हुज, ही इज द बॉय हुज प्रोजेक्ट वाज सेलेक्टेड, तो ये सेलेक्टेड कौन सा है, हुज बॉय का है, तो बॉय को रिलेट करने के लिए, बॉय को डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड यूज किया हुज, तो दिस विच इज फॉर कार, हुज इज फॉर बॉय, तो ये डिफाइनिंग, डिफाइन करते हैं द प्रेसिडेंट बिफोर देम, इससे पहले प्रेसिडेंट क्या है, कार है, जो उसका एंटीसीडेंट आ जाए, सॉरी एंटीसीडेंट जो आ जाए, तो उससे पहले जो एंटीसीडेंट आएगा उसको क्वालिफाई करेगा, नॉट प्रेसिडेंट सॉरी एंटीसीडेंट। नाउ क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं,
क्वेश्चन वर्ड्स आर दी WH फैमिली वर्ड्स. नोट करिए, WH फैमिली वर्ड्स मीन्स हु, हूज, होम, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. दीज आर दी नाइन वर्ड्स. डब्ल्यू एच, हाउ भी उसी में आता है, विल नहीं आता. ओके, याद रखिए वो डब्ल्यू वाला होता है, लेकिन ये डब्ल्यू एच वाले होते हैं, इससे भी क्वेश्चन वर्ड्स बन जाते हैं, क्वेश्चन को इंडिकेट करने वाले होते हैं. हालांकि बीच में आकर ये डिफाइनिंग भी बन जाते हैं फॉर श्योर, बट वेन देर आस्ट फिर यू टू आस्क क्वेश्चन, यू बिगिन दी सेंटेंस विद देम, तो दे आर देन दी क्वेश्चन वर्ड्स. ओके, सो होप द थिंग्स आर क्लियर विद यू. अदर एंड अदर समझ आ गया, डिफाइनिंग वर्ड्स बता दिया विच और हुज क्या होता है, और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं, इतना आप नोट करिए प्लीज. सो नाउ एज यू अंडरस्टूड रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स, द लास्ट पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स इज पजेसिव. नाउ वी अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस पजेसिव केसेस आर. नाउ व्हेन यू से पजेसिव, इट शोज पजेशन. पजेशन मीन्स ओनिंग समथिंग, ये मेरा हुआ है, तुम्हारा है, उसका है. ये जो पजेशन वाले वर्ड्स हैं, what they are, so now they are possessive adjectives, they are possessive pronouns, यानी जिसमें possession का feeling आएगा वही possessive होएगा. Now understand possessive कैसे लगाते हैं, ठीक है. अगर मैं बोलूँ, suppose I write like that, this is your car and that is my car. Okay, this is your car and that is my car. So sentence is all right. The only thing is that we are using the word car twice, which you should not, because of the reason this is verbosity. We were talking about the subject is car only. So instead of writing car twice, what I could do, instead of writing my car, I should have written mine, isn't it? Then I write, this is your car and that is mine. And mine means my car only. Mine means my car only. Ultimately, my car जो word है वो mine से replace हुआ है. और तो mine किसको qualify कर रहा है? Car को ही तो qualify कर रहा है. तो फिर mine एक तरीके का हमारा क्या हुआ? Pronoun हो जाता है. बस ये पोजेशन दिखाता है, तो इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहने लगते हैं, माइन. ओके, नाउ व्हेन सपोज आई राइट दिस वे, सपोज दिस इज, ओके, दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार. अगेन यू विल से योर कार नहीं लिखना, तो योर कार की जगह पे व्हाट शुड आई राइट? योर्स. ओके, मींस योर्स इज व्हाट, रिप्लेसिंग द वर्ड कार. इट मींस माइन हो गया तो फिर यहां पर आवर्स हो गया, तो फिर आपका योर्स हो गया. इट मींस देयर्स हो गया और फिर हर्स हो गया. ओके, और फिर हिज का तो हिज ही रहता बाय द वे, और इट्स हो गया, लिख लीजिए हिज पे. तो ये सारे क्या हुए? ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हुए. ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल पजेसिव प्रोनाउन्स, बिकॉज द रीजन ये पोजेशन को शो करते हैं, उसका अधिकार शो करते हैं, वो इससे अवर्स हैं. एंड माइंड इट, इनके साथ कभी भी आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते. सी, अंडरस्टैंड दिस, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, व्हेन वी राइट, डोंट राइट एनीथिंग हियर, ये कॉमा नहीं लगाना है. ये yours ऐसे लिखा हुआ is incorrect. This is the only way. यानी इनके साथ possessive वाले जो भी pronoun हैं, इनके साथ आप apostrophe s नहीं लगा सकते. They go like this only. Yours, ours, theirs, hers. Pronoun हो गए. Okay? एक चीज़ और समझ लेते हैं, बात हो ही रही है. अगर मैं बोलूँ कि this is your car, okay? तो ये यहाँ पर आ गया. अगर suppose I write like this,
दिस इज, जब मैंने लिखा था हर कार या माई कार या योर कार, जो भी हम लिख रहे थे, यहां हर क्या है ये भी समझ लें। यहां पर हर क्या चीज होती है? अगर मान लीजिए दिस इज, सपोज मैंने लिखा होता, अगर मैं ऐसा लिख देता, सपोज आई राइट कि दिस इज रेड कार, तो फिर रेड क्या है? स्मॉल कार, ओके, एक्सपेंसिव कार, तो ये क्या हुए? आप खुद ही कहोगे यार ये एडजेक्टिव है, तो यानी ये एडजेक्टिव ही तो हुए। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर हर भी यहां पर क्या हुआ? एडजेक्टिव ही हुआ, नहीं? दिस इज हर कार, तो दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, ऐसे ही तो चलेगा। इसका मतलब हर एक एडजेक्टिव है यहां पर। अब हर एक एडजेक्टिव है और ये कहीं ना कहीं उसका पोजिशन दिखा रहा है, तो इसे ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये वो एडजेक्टिव है जो पोजिशन को शो करने वाले हैं, ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में अब मेरे पास क्या क्या आएगा? मी के लिए आ जाएगा माई, माई कार, हमारे लिए आ जाएगा अवर कार, यू के लिए योर कार, एंड देन आई वी यू दे, तो फिर देयर कार, और फिर हर कार, और फिर हिज कार, नहीं? तो ये सारे क्या हुए? ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हुए, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन हुए। तो दिस इज द वे वी शो द पोजिशन। सो दीज आर द पजेसिव वर्ड्स, अंडरस्टैंड? तो ये पजेसिव होते हैं। नाउ व्हेन यू स्टडी डीप इन टू दीज सेगमेंट्स लेटर इन योर लेटर क्लासेज और व्हेन यू अदर सेशंस, वी रियलाइज कि इसको हम आगे कैसे यूज करना है, ओके? तो फॉर द यंग स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको बेसिक्स आ जाते हैं, उससे समझ आ जाता है कि डिटर्मिनर्स क्या हुए, कौन कौन किस किस पार्ट को डिटर्मिन करता है। नो व्हेन नेक्स्ट टाइम इन योर क्लास व्हेन द टीचर्स यूजेस अ वर्ड लाइक दिस ओनली यू विल नॉट बी स्टार्टल्ड, यू नो व्हाट इट इज, ओके? एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दोज हु हैव अंडरस्टूड दिस, दे हैव मच ऑफ द लॉजिक क्लियर नाउ कि कहां से ग्रामर शुरू हो रही है। वो बात अलग है, जब एडजेक्टिव पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि मच, मोर और मोस्ट होता है और मैनी, मोर और मोस्ट होता है। तो ये मच और मोर और मोस्ट और मैनी और मोर और मोस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव की तरफ चला जाता है। लेकिन अभी हमने कहा कि मच और मैनी क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। तो दिस लाइन यू क्रॉस गो टू ए द नेक्स्ट लेवल टू द अदर स्फीयर, दैट इज द ग्रेजुअल ग्रोथ है, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस है, यू डेवलप इन टू दैट। तो दैट इज हाउ यू ग्रो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यंग चिल्ड्रन, दे रियली नीड टू रिवाइज देम दिस, सी ऑल माई वीडियोज विच आई हैव मेड फॉर डिटर्मिनर्स फॉर यू पीपल, काइंडली रिवाइज देम। बिफोर आई साइन ऑफ आई वुड लाइक टू से ऑल माई यंग चिल्ड्रन, इवन इट इफ इज अ स्टूडेंट ऑफ सिक्स क्लास और सिक्सटींथ क्लास, आई से काइंडली कीप रीडिंग न्यूज पेपर्स रेगुलरली। रीडिंग न्यूज पेपर विल गेट यू द एडवांटेज टू एनहेंस योर इंग्लिश, टू बी ए बेटर पर्सन एंड हैव अ पोजिशन इन द सोसाइटी, बिकॉज इलोक्वेंस रियली मैटर्स। तो वेन यू रीड न्यूज पेपर काइंडली रीड स्लो, इम्बाइब दैट नॉलेज दे आर गिवन देयर एंड द लैंग्वेज विच इज रिटन देयर, काइंडली नोट डाउन द वर्ड्स विच यू डू नॉट नो, सी द मीनिंग्स देयर, नोट डाउन द मीनिंग समवेयर देयर, मेक द सेंटेंसेज। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट मे साउंड वेरी टीडियस, बट ग्रेजुअली आई टोल्ड यू ड्रॉप बाई ड्रॉप यू फाइंड यूर पिक्चर फिल्ड, यू विल बी इक्विप्ड विद, यू विल हैव lot many words with you in the later session of your life, but provided you start today reading newspaper and reading newspaper at a slow speed and then acquiring all the words is very important. Jo aapko nahi aata hai usko note karna zaruri hai, isliye newspaper padhna aapke liye immensely important hai. And one more thing, when you read your literature books kindly read them slow, let the words come to you, don't rush. Superficial reading will not lead you anywhere, rather you will be at the dead end. So go slow and learn. I think once you have lot of vocabulary with you and then you have done your grammar concepts good, I think you will be an eloquent orator, I say. You will be a good person, the one who can write better English. And if you want to score good marks in your articles or the essays and letters when you write, kindly learn more words, learn more vocabulary, and that will come by reading and then revising your grammar concepts. If all these things we club together, I think your English is done. Thank you very much. You have understood. We'll meet you later. Thank you very much. God bless you.